तो आज मेरे पास एक ग्लास, एक बॉल, और आज मैं इस बॉल और ग्लास से दिखाऊंगा ऐसा एक ट्रिक्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट एक्चुअली बहुत इजी है, आप घर में भी कर सकते हैं। तो इस ग्लास के अंदर अगर मैं बॉल को डालता हूं और मेरे पास एक बड़ा सा स्टिक, काफी बड़ा है, यस, तो एक्चुअली अगर ऐसे मैजिक करता हूं तो क्या ये बॉल गायब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बॉल दिखा देते हैं कि बॉल बिल्कुल हार्ड है, सच में हार्ड है, दिखा दिया ना। अब मैं बॉल को रखता हूं नीचे और ये ग्लास बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं। और हम सबसे पहले इस बॉल को इस ग्लास के अंदर डालेंगे, ठीक है? अब ने डाल दिया और अभी इस हाथ में कुछ भी नहीं है, इस हाथ से इस तरीके से मैं ऑफ करूंगा और ऑफ करने के बाद मेरे पास जो स्टिक है उस स्टिक के मैं थोड़ा सा मैजिक कर दूंगा, 1, 2 and 3। अब इस स्टिक को मैं रख देता हूँ साइड में और जस्ट वॉच, 1, 2 and 3 वैनिश। दिस इज वॉल इज ऑलमोस्ट नहीं, पूरा वैनिश हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, ग्लास बिल्कुल खाली है और मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है, तो बॉल गायब कैसे हो गया, है ना? तो चलिए अब हम सीखेंगे इस मैजिक को, कैसे हमने करके दिखाया और कैसे आप कर सकते हैं। तो उससे पहले यार, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट पे भी जाकर जरूर बताना आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा। मतलब देखने के बाद, सीखने के बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, बट एक्चुअली बहुत इजी है, आप कभी भी किसी को भी इस तरीके से मैजिक करके दिखा सकते हैं। तो चलो अब सीखते हैं। तो इस मैजिक को करने के लिए आपको चाहिए सिंपल एक बॉल, बॉल तो आपको मिल जाएगा और ऐसा ग्लास भी आपको मिल जाएगा, और सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत है वह स्टिक। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आपको एक स्टिक बना भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मैजिक में सबसे बड़ा राज है स्टिक का, और उससे भी बड़ा राज जिसका है वो है इस ग्लास का। आप देख सकते हैं ग्लास के नीचे का जो हिस्सा है वो मैंने काट कर लिया है। एक्चुअली अगर हम इस बॉल को इधर से डालें तो ये आर पार हो जाता है, ओके? मतलब कि नीचे की तरफ हमने होल्ड कर दिया। अब करते क्या है ना, सबसे पहले ऐसे पकड़ते हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर इस तरीके से रखते हैं तो काफी अच्छे तरीके से देखने में लगता है कि हाँ, ग्लास बिल्कुल सही है। तो जब मैं इस तरीके से दिखाता हूं तो आपको देखने में लगता है कि नॉर्मल है, बट एक्चुअली सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि बॉल नीचे रखता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, जिस हाथ से मुझे अच्छा लगता है, मतलब ट्रिक्स में ज्यादा करता हूं, उस हाथ से ग्लास को पकड़ लेता हूं। तो पकड़ने का तरीका क्या है, दो फिंगर्स आपको ऐसे पकड़ना है और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को आपको ग्लास के बीच में रख देना है ताकि बॉल जब मैं रखूं तो नीचे से गिर ना जाए। तो इस तरीके से मैं लेता हूं तो आपको देखने को लगता है कि ग्लास और बॉल सिंपल है, ठीक है? तो दो एक बार इस तरीके से दिखाता हूं, दिखाने के बाद जब मैं इस तरीके से हाथ को कवर करता हूं तो कवर करने के टाइम में क्या करता हूं, बीच का उंगली हटा देता हूं और बॉल आ जाता है हमारे इस हाथ में। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं पीछे की साइड से। तो जब मैं कुछ इस तरीके से पकड़ता हूं और जब गार्ड करता हूं तो इस तरीके से बॉल आ जाता है मेरे हाथ में, ठीक है? देख सकते बॉल आ गया, और बॉल जब मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए मेरे पास स्टिक है, वो स्टिक को लेता हूं। तो अभी हमारे पास टेबल है तो टेबल में दिखा रहा हूं, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप जेब से स्टिक को निकालने का आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि सोच लीजिए स्टिक मेरे जेब में है, ठीक है, और बॉल अभी ग्लास में है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस तरीके से मैंने ऑफ किया और बॉल को लिया और बोला कि देखिए ग्लास में बॉल है और मैं अभी स्टिक को बाहर करता हूँ। तो स्टिक को बाहर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉल को जेब में डाल लेता हूँ और जेब से निकालता हूँ स्टिक। एक्चुअली हमारा बॉल अभी जेब के अंदर चला गया, और फिर हम ऐसे मैजिक कर सकते हैं 1, 2 and 3। और जब भी मैं 3 बोला तो एक्चुअली आप देख सकते हैं लाइट का प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअली हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग हो चुका है। तो जो भी है गाइस, और फिर हम दिखाते हैं कि ग्लास बिल्कुल खाली है। तो ग्लास आपको ऐसे खाली नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है ताकि किसी को पता ना चले कि पीछे का साइड कटा हुआ है। तो इस तरीके से आप मैजिक को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यार मैजिक देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब सीख लेते हैं ना तब लगता है ओ ऐसा है इसका राज, बट एक्चुअली मैजिक बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी को आप दिखाते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस मैजिक के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यार कैसा लगा प्लीज लाइक करके बताओ और कमेंट करो, और नए हो तो यार चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम दिखाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं आपको अमेजिंग अमेजिंग मैजिक ट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।